टेस्टिकल से जुड़ा हुआ आपका एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तो फॉर योर कन्फर्मेशन यू ऑल कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नॉर्मल साइज में है और एक ऊपर और एक नीचे है तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली ये ऊपर नीचे आपको तब ज़्यादा महसूस होते हैं जब ये नीचे की तरफ लटक जाते हैं, और वो लटके हुए उस स्थिति में होते हैं जब बॉडी ज़्यादा गर्म होती है या शरीर में गर्मी होती है, तब ये कूल होने के लिए नीचे लटक जाते हैं जिससे कि इनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और ऐसी स्थिति में कभी आपने हो सकता है इनको गौर कर लिया होगा, तब आपको लगता होगा कि एक नीचे की तरफ ज़्यादा है और एक थोड़ा सा उससे ऊंचा है ऊपर की तरफ है, और आप परेशान हो गए, घबरा गए। बट ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें परेशान होने घबराने की कोई बात नहीं है। जब कभी बॉडी ज़्यादा कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या आप नहाने चले जाते हैं, नहाते हैं ठंडे पानी से, तो वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं, सुखड़ जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपके दूसरे सवाल है कि एक का बहुत ज़्यादा ओवर साइज हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, गुब्बारे की तरह फूल गया है, या उसमें सूजन बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं इस वाली लिस्ट में, या फिर जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में अलग अलग तरीके की वीडियो की सारी लिस्ट है, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि हम कौन सा अंडरवियर पहने, ये लटके बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उनको कैसे हम सही करें जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और ये दबे नहीं बीच में, उसके लिए मैंने एक अंडरवियर का भी अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में से उसको देख सकते हैं। तो इट्स वेरी क्लियर कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये थोड़ा ऊपर या नीचे है। तो बी हैप्पी ऑलवेज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नेटवर्क के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।